आज गुरुधाम में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के इस विराट प्रांगण में, विराट परिसर में हम सभी प्रातः वेला में, ब्रह्म वेला में बैठ करके प्रभु की आराधना करते हुए हम एक संकल्प के साथ यहाँ से पूरे समाज, पूरे देश और विश्व के कल्याण के लिए हम मार्ग प्रशस्त करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे समाज को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने के लिए, समाज को व्याभिचार मुक्त बनाने के लिए, जाति मुक्त बनाने के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुखभाव भगवीत के, जो यह हमारा जो समाज के लिए जो एक मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए, उस संदेश को हम अपने आप भीतर स्थापित करते हुए समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं परिचय के तौर पर हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं आदरणीय सुबोध कुमार यादव जी, जो बिहार के सहरसा जिला से। मैं आदरणीय हमारे बीच में बैठे हुए हैं शंकर आनंद जी, जो बिहार के अररिया जिला से, और हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय अजय कुमार जी, जो बिहार के बक्सर जिला से, और मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन बिहार के भोजपुर जिला से। आप सभी को एक बार अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप सभी लोग प्रातः वेला में उठ करके सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर के एक घंटा योग करिए, प्राणायाम करिए। ये हमारे ऋषियों का, हमारे महापुरुषों का, पूर्वजों की देन है और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से सबको संदेश दिया है कि आप सब लोग योग धारण करें। समत्वम में योग उच्चते, योगा कर्मसु कौशलम, यानी जीवन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो भी कार्य कुशलता पूर्वक हो रहा है वही योग है। बोले भारत माता की, वंदे मातरम्।